वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ मांसपेशीय तंत्र यानी मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर, जो आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से क्वेश्चंस हर बार होते हैं और एक बार भी ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन न पूछा गया हो। तो विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, इसके थियोरेटिकल टॉपिक को मैं पूरे डिटेल में हर एक टॉपिक को समझा चुकी हूँ। उसे आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल में देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। सबसे पहले बेसिक जानकारी हम देते हैं कि मांसपेशी जो है कि मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी बोला जाता है और इसकी जो उत्पत्ति होती है यह भ्रूण के मीसोडर्म से बनते हैं और इसका अपवाद यह है कि आंखों की जो आयरिस या सिलियरी पेशी होती है वो भ्रूण के एक्टोडर्म से बनती है। तो पेशियां किससे बनी है? भ्रूण के मीसोडर्म से। बट हमारा अपवाद एक है कि जो आंखों की आयरिस और सिलियरी पेशी है वो भ्रूण के एक्टोडर्म से बनी है। जैसे कि हमारे शरीर में 639 कुल मांसपेशियां पाई जाती है, जिसमें से पूरे शरीर के भार में 40-45% भाग ओनली हमारे मांसपेशियों का होता है, जिसमें से 40% भाग ओनली कंकाली पेशियों का होता है। जैसा कि हमारी पेशियां जो है तीन प्रकार की होती हैं, रेखित यानी ऐच्छिक पेशियां, अरेखित यानी अनैच्छिक पेशियां, तीसरा हृदय पेशियां। तो जो रेखित पेशियां होती हैं वो बेलनाकार धारीदार बहुकेंद्रीय होती हैं और कंकाल से जुड़ी हुई होती हैं। इसमें तीव्र संकुचन होता है, इसमें रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर होती है एंड लैक्टिक अम्ल बनता है और यह इसको संचालित करती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड दोस्तों, इसमें पेशियों को संकुचित और प्रकुंचित करने के लिए एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होता है। जो अरेखित पेशियां होती हैं, अनैच्छिक होती हैं, वो लंबे तुर्क के आकार की होती हैं, यह अकंकाली होती है, यह हमारे आंतरिक अंगों में होती है जैसे छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट, फेफड़े, लीवर आदि में, और इसमें धीमा संकुचन होता है। इसमें लाल पेशी तंतु यानी रेड मसल फाइबर उपस्थित होता है और इसको कंट्रोल करता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि ANS यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। और तीसरा होता है हृदय पेशी जो बेलनाकार धारीदार होता है बट यह अनैच्छिक होता है। इसका आकार होता है रेखित की तरह बट इसका कार्य होता है अनैच्छिक, हमारे पे कंट्रोल नहीं होता। और इसका धीमा संकुचन होता है, इसमें लैक्टिक एसिड नहीं बनता है और इसमें सर्वाधिक लाल पेशी तंतु यानी सर्वाधिक रेड मसल फाइबर होते हैं हमारे हृदय पेशी में और इसका भी संचालन करता है, नियंत्रण करता है ANS यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और हृदय पेशी के अंतर्गत तीन पेशियां होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम सबसे बाहरी परत होती है, इंडोकार्डियम सबसे निचली परत होती है। और दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया तथा ग्लाइकोजन के कण पाए जाते हैं हृदय पेशियों में। ठीक है, हृदय पेशियां अपने आप संकुचन होता है जबकि कंकाली पेशियों यानी ऐच्छिक पेशियों को एक्टिन और मायोसिन संकुचन और प्रसारण का कार्य करता है। तो इस प्रकार हमने पेशियों के बेसिक जानकारी समझ लिया। आप चलते हैं क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? तो कितनी होती है? कुल 639 मांसपेशियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मांसपेशियों का भार कितना होता है? तो पूरे शरीर का मानव शरीर में मांसपेशियों का भार होता है 40-45%। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? तो यह मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी होती है सार्टोरियस मसल्स, जो हमारे मांग पे जांग पे होती है यानी फीमर की मांसपेशी होती है, जो हमारे जो एक पट्टे की तरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर को आकार कौन देता है? तो आकार देता है मांसपेशियां। नेक्स्ट है, मांसपेशी कितनी प्रकार की होती है? आप सबको पता है यह तीन प्रकार की होती है। कौन कौन से तीन प्रकार? यह होती है स्वैच्छिक मांसपेशी यानी कि जिसे ऐच्छिक मांसपेशी कहते हैं अथवा रेखित मांसपेशी कहते हैं, जो हमारे हड्डियों से टेंडन के द्वारा जुड़ी रहती है।
दूसरा होता है एरेचिक अथवा समतल या स्मूथ मसल्स, ठीक है, और तीसरा होता है हृदय मांसपेशियां। ये तीन प्रकार की मांसपेशियां होती हैं। नेक्स्ट है मांसपेशी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मांसपेशी के अध्ययन को बोलते हैं मायोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की मांसपेशी किसकी कमी से कमजोर हो जाती है, तो शरीर की मांसपेशी जो है वो पोटेशियम की कमी से कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में बॉक्सर मसल्स किसे कहते हैं, तो मानव शरीर में बॉक्सर मसल्स जो है उसको सेरेटस एंटेरियर को कहते हैं। दोस्तों इसमें गलत लिखा गया था तो मैंने इसे पेन से लिख दिया है, सेरेटस एंटेरियस होता है, ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा बॉक्सर मसल्स सेरेटस एंटेरियस। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है, दोस्तों तो मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी होती है मसेटर मसल्स, जो हमारे जबड़े की पेशी होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में थ्रोइंग मसल्स कौन होता है, तो थ्रोइंग मसल्स होता है पेक्टोरेलिस मेजर, दोस्तों इसमें गलत दिया था, पेक्टोरेलिस मेजर जो हमारे वक्ष यानी कि छाती पर स्थित होती है। नेक्स्ट है टेलर मसल्स किसे कहते हैं, तो टेलर मसल्स सार्टोरियस को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मलखम या राइडर मांसपेशी किसे कहते हैं, मलखम या राइडर मांसपेशी बोलते हैं अडक्टर मंगस मांसपेशी को, जो जांघ पे पाई जाती है, घुटने के नीचे पाई जाती है, या जो हमारे दौड़ने और मलखम में काम आता है। नेक्स्ट है लिफ्टर मांसपेशी किसे कहते हैं, तो लिफ्टर यानी जो हमारे किसी को हेल्प करने का काम आता है, तो ये हमारे कंधे की मांसपेशी जो होती है डेल्टॉइड मसल्स जो है वो लिफ्ट देने का काम आता है। नेक्स्ट है आगे की ओर झुकने में कौन सी मांसपेशी संकुचित होती है, तो क्वार्टिसेप्स मांसपेशी होती है, जो हमारे कमर की मांसपेशी होती है। नेक्स्ट है कॉफ मांसपेशी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कॉफ मांसपेशी का वैज्ञानिक नाम है गैस्ट्रोनेमियस, क्या है, गैस्ट्रोनेमियस, ये हमारे घुटने के नीचे पिछले वाले भाग में जो उठा हुआ भाग होता है वो गैस्ट्रोनेमियस मांसपेशी कहलाता है। नेक्स्ट है बाइसेप्स मांसपेशी कहाँ स्थित होती है, तो बाइसेप्स मांसपेशी हाथ के ऊपरी भाग में स्थित होती है, जो ह्यूमरस हड्डी के ऊपर स्थित होती है बाइसेप्स, ठीक है, उसके पीछे होती है ट्राइसेप्स मसल। बाइसेप्स क्या करती है, वो हमारे हाथ को फ्लेक्शन यानी मोड़ने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल्टॉइड मांसपेशी कहाँ स्थित होती है, तो ये हमारे कंधे में स्थित होती है। जैसे कि दोस्तों कौन सी मांसपेशी कहाँ पे स्थित है और किस कार्य में काम आता है, इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप देख लेंगे तो कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी मांसपेशी ह्यूमरस हड्डी के पीछे होती है, तो कौन सी होती है, तो ट्राइसेप्स मसल्स होती है, ठीक है, ह्यूमरस हड्डी के पीछे, और ह्यूमरस हड्डी के आगे कौन सी मसल्स होती है, तो बाइसेप्स, पीछे कौन सी मसल्स होती है, ट्राइसेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइसेप्स मांसपेशी किस प्रकार की मांसपेशी है, तो बाइसेप्स मांसपेशी किस प्रकार की है दोस्तों, यह स्वैच्छिक यानी कि रेखित पेशियां हैं जो हमारे इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। नेक्स्ट है मांसपेशी की ताकत यानी एक्शन पोटेंशियल किस यंत्र से मापी जाती है, तो मांसपेशी की ताकत यानी एक्शन पोटेंशियल को मापा जाता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी से, किससे, इलेक्ट्रोमायोग्राफी से। नेक्स्ट है मांसपेशियों के अंतिम छोर को क्या कहते हैं, तो मांसपेशियों के अंतिम छोर को टेंडन बोला जाता है दोस्तों, टेंडन के द्वारा ही रेखित मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं। यहां पे एक क्वेश्चन और आता है कि हड्डियों से हड्डियां जोड़ों पर किससे जुड़ती हैं, तो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है लिगामेंट्स, एंड मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है टेंडन, ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है रेखित पेशियां कौन सी पेशियां होती हैं, तो रेखित पेशियां जो होती है वो ऐच्छिक पेशियां होती है, जो हमारे हाथ पैर ट्राइसेप्स बाइसेप्स डेल्टॉइड टेलर सार्टोरियस गैस्ट्रोनेमियस ये सभी मसल्स क्या है, ऐच्छिक मांसपेशियां जो हमारे इच्छा अनुसार काम करती है, इसको कंट्रोल करता है सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अमाशय में कौन सी पेशियां पाई जाती है? तो दोस्तों अमाशय में पाई जाती है अरेखित पेशियां। अरेखित पेशियां क्या होती है? स्मूथ मसल्स होती हैं, ये हमारे आंतरिक अंगों में होती है, जो अनैच्छिक होती है, जो हमारे ऐच्छिक यानी इच्छा के कंट्रोल में नहीं होती है। इसको कंट्रोल करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ANS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डियों के साथ जुड़ी हुई मांसपेशियां किस प्रकार की मांसपेशियां होती हैं? तो जो भी मांसपेशियां हड्डियों के साथ जुड़ी होती हैं उसको रेखित मांसपेशियां कहते हैं, या हड्डियों के साथ टेंडन के द्वारा जुड़ी रहती हैं। नेक्स्ट है, स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत की खोज किसने की? तो स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत की खोज हैंसन तथा हक्सले ने 1954 में किया था। दोस्तों इसी इन्हीं के सिद्धांत के अनुसार मांसपेशियां सिकुड़ती और फैलती है, यानी मांसपेशियों में फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट होता है। नेक्स्ट है, मांसपेशियों के फाइबर्स के बारे में किस तकनीकी के द्वारा पता लगाया जाता है? तो मांसपेशी के तंतु यानी फाइबर्स के बारे में बायोप्सी तकनीक के द्वारा पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है, मांसपेशियों में कितने प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं? तो दोस्तों मांसपेशियों में दो प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं, एक रेड मसल फाइबर एंड एक व्हाइट मसल फाइबर। जो रेड मसल फाइबर होता है वो स्लो ट्विस्ट फाइबर होता है, यानी धीरे धीरे संकुचित होता है, और जो व्हाइट मसल फाइबर होता है वो फास्ट ट्विस्ट फाइबर होता है, यानी कि जल्दी जल्दी संकुचित होता है। यानी जो व्हाइट मसल फाइबर होता है वो अनएरोबिक क्रिया करने में सहायक होता है, जैसे छोटी स्प्रिंट दौड़, जैसे 100, 200, 400 मीटर की दौड़ हो गया। और जो रेड मसल फाइबर होता है उसमें धीरे धीरे संकुचन होता है, और यह सहनशीलता से संबंधित खेल क्रियाओं या कोई भी क्रिया में सहायक होता है, जैसे लंबी दूरी की दौड़ आदि। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, जल्दी जल्दी संकुचित होने वाले फाइबर कौन से होते हैं? तो जल्दी जल्दी संकुचित होने वाले फाइबर होते हैं व्हाइट मसल फाइबर यानी सफेद मसल फाइबर। ठीक है, और नेक्स्ट है, धीरे धीरे संकुचित यानी स्लो ट्विस्ट फाइबर कौन से होते हैं? तो स्लो ट्विस्ट फाइबर होते हैं रेड मसल फाइबर यानी लाल मसल फाइबर। सबसे ज्यादा संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारे हृदय में पाए जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, एरोबिक तरह के अभ्यास में किस प्रकार के फाइबर अधिक सक्रिय होते हैं? दोस्तों तो अभी मैं तुरंत बताई, एरोबिक तरह के अभ्यास यानी जिसमें एंड्योरेंस की जरूरत पड़ती है, सहनशीलता की जरूरत पड़ती है, लंबे समय की क्रिया होती है, वहां पर रेड मसल्स फाइबर अधिक सक्रिय होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, अनएरोबिक तरह के अभ्यास में किस प्रकार के फाइबर्स यानी तंतु अधिक सक्रिय होते हैं? तो जो छोटे समय की क्रियाएं होती है जिसमें ऑक्सीजन की कम आवश्यकता होती है और इसमें जल्दी जल्दी काम करना होता है, तो इसमें सफेद मसल फाइबर यानी कि व्हाइट मसल फाइबर जो स्लो ट्विस्ट फाइबर होता है वो सक्रिय अधिक होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं, यानी तुरंत ऊर्जा देने वाले स्रोत क्या है? ATP। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, मांसपेशी कोशिका किस प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा घिरी रहती है? तो ये घिरी रहती है सार्कोलेमा से। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशी कोशिका के जैव द्रव्य को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जिस प्रकार कोशिका में जो द्रव भरा रहता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसी प्रकार मांसपेशी तंतु यानी मांसपेशी कोशिका में जो द्रव भरा रहता है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों कि सार्कोप्लाज्म में पाए जाने वाले तंतु को क्या कहते हैं? तो सार्कोप्लाज्म में जो पाए जाने वाले तंतु होते हैं उसको बोलते हैं मायोफाइब्रिल। नेक्स्ट है कि मांसपेशी में एक्टिन और मायोसिन तंतु किस पोषक के बने होते हैं? तो दोस्तों यह बने होते हैं प्रोटीन के। जैसे हमारे मांसपेशी तंतु में दो फिलामेंट्स होते हैं, मोटे फिलामेंट यानी कि एक मायोसिन और पतले फिलामेंट यानी कि एक्टिन, और एक्टिन में दो प्रोटीन विशेष रूप से एक्टिव होते हैं, एक्टिन और मायोसिन, जो हमारे ऐच्छिक यानी रेखित पेशियों को संकुचन और प्रसारण में काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में कितने ATP होते हैं? तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में दो ATP का निर्माण होता है। दोस्तों कितने ATP का? दो ATP का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरोबिक मेटाबॉलिज्म में चयापचय प्रक्रिया यानी कोशिका में कहाँ होती है?
तो एरोबिक मेटाबॉलिज्म में चयापचय प्रक्रिया होती है दोस्तों, कहाँ पे होती है यह होती है माइटोकांड्रिया में। कहाँ होती है? माइटोकांड्रिया में। और अनएरोबिक बोले तो अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया होती है आपका कोशिका द्रव में, जहां पे ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है, जिसमें ग्लूकोज की पाइरूविक अम्ल में बदलने की प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस करते हैं। वो संपन्न होता है कोशिका द्रव में, जिसमें 2 ATP का निर्माण होता है। फिर वो जाता है पाइरूविक अम्ल माइटोकांड्रिया में, जो ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, और जो ATP के रूप में ऊर्जा बनता है, जो हमारे समस्त शरीर में, जहां पे हमारे शरीर में आवश्यकता होती है वहां भेजा जाता है। तो माइटोकांड्रिया में एरोबिक मेटाबॉलिज्म के द्वारा 36 ATP का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोबिक मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में कितने ATP प्रयुक्त होते हैं? तो एरोबिक मेटाबॉलिज्म के द्वारा 36 ATP का निर्माण होता है। जैसे कि दोस्तों मैं जो श्वसन तंत्र के अंतर्गत दो श्वसन आते हैं, एक होता है बाह्य श्वसन, एक होता है आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन में फेफड़ों में श्वसन होता है एंड आंतरिक श्वसन में कोशिकाओं में। जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, सांस लेते हैं, तो जब फेफड़ों की जो एल्वोलाई होती है, वहां पे फेफड़ों से अशुद्ध रक्त जो पल्मोनरी धमनी से आता है, उसमें से अशुद्ध रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, और ऑक्सीजन को जो रेड ब्लड सेल्स यानी कि RBC में जो हीमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन को ले करके चला जाता है कोशिकाओं के पास। अब कोशिकाओं के पास जाता है तो सबसे पहले वो कोशिका द्रव्य में जाता है, जहां पे ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत 2 ATP का निर्माण होता है, यानी ग्लूकोज का पाइरूविक अम्ल में बदलना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, जहां पे कोशिका द्रव्य में 2 ATP का निर्माण होता है, अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया होता है। फिर वो ग्लूकोज पाइरूविक अम्ल में बदलने के बाद 2 ATP का निर्माण होता है, फिर वो जाता है पाइरूविक अम्ल माइटोकांड्रिया में। माइटोकांड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी एरोबिक मेटाबॉलिज्म अपचय प्रक्रिया होती है, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का क्षारण होता है और 36 ATP का निर्माण होता है। फिर ATP जो है ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में जहां जरूरत होता है वहां पे जाता है। इस प्रकार पूरे कोशिकीय श्वसन में 38 ATP का निर्माण होता है। यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा है, पूछेगा कि ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में कितने ATP का निर्माण होता है? 2। माइटोकांड्रिया में कितने होता है एरोबिक मेटाबॉलिज्म में? तो 36। और पूरे कोशिकीय श्वसन में एक ग्लूकोज के जरूरत से कितने ATP बनते हैं? तो 38 ATP। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? तो दोस्तों ऊर्जा मुद्रा बोला जाता है ATP को, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसिंट्राइड फॉस्फेट। नेक्स्ट है, क्रेब्स चक्र कहाँ पूरा होता है? तो दोस्तों क्रेब्स चक्र पूरा होता है माइटोकांड्रिया में, जिसको साइट्रिक एसिड चक्र भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, क्रेब्स चक्र को और क्या बोला जाता है? तो क्रेब्स चक्र को साइट्रिक एसिड चक्र भी बोला जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र के बीच का मध्यवर्ती कोएंजाइम क्या कहलाता है? तो दोनों के मध्यवर्ती कोएंजाइम कहलाता है एसिटाइल कोएंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज के पाइरूविक अम्ल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ग्लूकोज के पाइरूविक अम्ल में बदलने की प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ATP को पूर्ण रूप से क्या लिखते हैं? तो ATP को पूर्ण रूप से लिखा जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या लिखा जाता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है, ATP किस प्रकार का प्रकार ऊर्जा देता है? तो दोस्तों ATP ADP में टूटता है, प्लस PI फिर एनर्जी बनता है, तो इस प्रकार से ऊर्जा देता है, ठीक है, इस प्रकार से ऊर्जा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन के बाद ऊर्जा का स्थानांतरण कौन करता है? तो दोस्तों पाचन के बाद जो ग्लूकोज होता है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकांड्रिया में जाकर के कोशिकीय श्वसन के द्वारा ATP का निर्माण होता है, जो हमारे शरीर में स्थानांतरण समस्त भाग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्वास के द्वारा बाहर निकालने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? 4.404% होता है।
अब यहाँ भी पूछेगा कि सांस के द्वारा अंदर ली गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो वायु में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03% और निकलते समय कितना होता है 4%। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, सांस के द्वारा अंदर ली गई वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, जब हम अंदर सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%, बट जब छोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है 16%। ठीक है, नेक्स्ट है रक्त नलिकाओं में किस प्रकार की मांसपेशियां होती है दोस्तों, तो रक्त नलिकाओं में अनैच्छिक मांसपेशियां होती है जो उसका कंट्रोल ANS यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिकार्डियम मांसपेशी कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों एपिकार्डियम मांसपेशी पाई जाती है हृदय में, जो हृदय की सबसे बाह्य परत होती है, जिसके अंतर्गत पेरिकार्डियम के 3 परत होते हैं जिसमें सेरस नामक द्रव भरा रहता है। नेक्स्ट है ट्रेपेजियस मसल्स यानी कि मांसपेशी कहाँ पाई जाती है, तो ये हमारे पीठ के ऊपरे हिस्से में पाई जाती है। और दोस्तों कौन सी मांसपेशी कहाँ पाई जाती है उसके बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो को देखें मांसपेशी वाला, जिसमें आपको चित्र सहित सब कुछ समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैटिमस डॉर्सी मांसपेशी कहाँ पाई जाती है, तो लैटिमस डॉर्सी मांसपेशी पाई जाती है कमर के पास, कहाँ पाई जाती है कमर के पास। लैटिमस डॉर्सी मांसपेशी जो होता है दोस्तों यह स्विमर मसल्स होता है, कौन सा मसल्स होता है स्विमर मसल्स होता है, एंड रोइंग मसल्स होता है। ठीक है, जो जल में हम नाव चलाते हैं तो रोइंग मसल्स एंड स्विमर मसल्स दोनों को हम कहते हैं लैटिमस डॉर्सी। नेक्स्ट है पेक्टोरलिस मेजर मांसपेशी यानी शरीर के किस भाग में पाई जाती है, तो पेक्टोरलिस मेजर जो होती है वो हमारे छाती में यानी वक्ष में पाई जाती है। और पेक्टोरलिस मेजर जो होता है थ्रोइंग मसल्स होती है, कोई भी चीज को थ्रो करने में किस मांसपेशी का यूज होता है तो वह पेक्टोरलिस मेजर मांसपेशी का। नेक्स्ट है कि डेल्टाइट मांसपेशी का आकार किस प्रकार का होता है, तो डेल्टाइट मांसपेशी का आकार त्रिकोणाकार यानी ट्रेंगुलर रूप में होता है। नेक्स्ट है पेट की मांसपेशी ऑब्लिक्यू एब्डोमिनस कैसे मजबूत होता है, तो किसे मजबूत होता है सीटअप के द्वारा, किसके द्वारा सीटअप के द्वारा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है टेंडन क्या है, तो दोस्तों टेंडन जो होता है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, कैसे करता है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, और हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है तो लिगामेंट्स, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है मांसपेशी की बीमारी को क्या कहते हैं, तो मांसपेशी की बीमारी को मायोपैथी बोला जाता है। नेक्स्ट है एनएरोबिक क्रियाएं किसे कहते हैं, तो दोस्तों एनएरोबिक क्रिया उसे कहते हैं जो छोटे समय की क्रियाएं होती हैं, जिसमें ऊर्जा ऑक्सीजन के बिना बनती हैं, जैसे 100, 200, 400 मीटर की दर यानी कि 25 सेकेंड से लेकर 2 मिनट तक की जो भी क्रियाएं होती हैं वह अनएरोबिक क्रियाएं में आती हैं, और 2 मिनट से ज्यादा जो क्रियाएं हो जाती हैं उसको हम एरोबिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं, जो लंबे समय की क्रियाएं होती हैं जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया जाता है। ठीक है, उसमें एरोबिक क्रिया कहते हैं जो लंबे समय की होती है, और छोटे समय की क्रियाओं को हम एनएरोबिक कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन के बिना ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में कैल्शियम आयंस कहाँ पाए जाते हैं, तो मांसपेशी में जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है, और जिसके एक्टिव होने से हमारे मांसपेशियां जो होती है वह कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्लास ए प्रोटीन किसे कहते हैं, तो क्लास ए प्रोटीन एनिमल प्रोटीन होती है जो हमारे एनिमल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है क्लास बी प्रोटीन किसे कहते हैं, तो क्लास बी प्रोटीन को हम वेजिटेबल प्रोटीन कहते हैं जो हमारे वेजिटेबल से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन पाए जाते हैं, तो मांसपेशी में दोस्तों एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे पेशियों को कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लेक्शन एक्सटेंशन करने में काम आती है। नेक्स्ट है एक्टिन फिलामेंट्स कौन से 2 प्रोटीन की उत्पत्ति करता है, तो एक्टिन फिलामेंट्स जो होता है वह
ट्रोपोनिन तथा ट्रोपोमायोसिन दो प्रोटीन की उत्पत्ति करता है। कौन कौन से? ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन दो फिलामेंट्स की उत्पत्ति करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, शरीर में कितनी प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं? तो आप सबको पता है तीन प्रकार की, रेखित पेशियां यानी ऐच्छिक पेशियां, दूसरा अनैच्छिक पेशियां जिसे स्मूथ मसल्स भी कहते हैं और जो हमारे आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं। तीसरा होता है कार्डियक मसल्स यानी हृदय पेशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशी के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो मांसपेशी के ऊपरी परत को बोला जाता है इपीमाइसियम। आप ध्यान में रखिएगा, यानी पूरी मांसपेशी को जो घेरा रहता है उसको इपीमाइसियम कहते हैं, और फिर जो मांसपेशियों को बंडल यानी समूह को घेरा रहता है उसको पेरीमाइसियम बोलते हैं, और जो एक मांसपेशी को तंतु को घेरा रहता है उसको इंडोमाइसियम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मांसपेशी की अंदरूनी परत को क्या कहते हैं? मांसपेशी के अंदरूनी परत को एंडोमाइसियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंडोमाइसियम बोला जाता है। नेक्स्ट है, ज्वाइंट के पास दो हड्डियों को जोड़ने वाले तंतु को क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है लिगामेंट्स। ठीक है, ज्वाइंट्स के पास दो हड्डियों को जोड़ने वाले तंतु को लिगामेंट्स बोलते हैं, और पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले तंतु को टेंडन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलर मसल्स किसे कहते हैं? तो टेलर मसल्स बोला जाता है सार्टोरियस मसल्स को। नेक्स्ट है, लगातार अभ्यास करने से मांसपेशियों के फाइबर में किस प्रकार के चेंजेज होते हैं? तो वह मोटे और मजबूत बन जाते हैं। ठीक है, अगर डेली हम लगातार अभ्यास करेंगे तो। ठीक है, जैसे मांसपेशी का आकार क्यों बढ़ता है? तो इसके बढ़ने का कारण है मांसपेशियों के बार बार संकुचन और प्रकुंचन से, यानी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन से। नेक्स्ट है, अभ्यास करने से मांसपेशियों में क्या होता है? तो अभ्यास करने से मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है एवं कोशिकाओं की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति में लगातार अभ्यास के कारण क्या होता है? तो जब हम लगातार अभ्यास करते हैं तो लैक्टिक एसिड जो है देर से बनता है। ठीक है, अगर डेली बेसिस पे हम लगातार अभ्यास कर रहे हैं तो जितना ही हम करेंगे हमारे अंदर थकावट ही बहुत कम मात्रा में होगा, लेकिन लैक्टिक एसिड बनने के कारण ही हमारे शरीर में थकावट होता है। नेक्स्ट, लगातार अभ्यास से मांसपेशियों की धमनियों तथा शिराओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, उसका व्यास धमनियों शिराओं का बढ़ जाता है, जिसको हम वैसोडाइलेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अभ्यास के परिणाम स्वरूप ग्लाइकोजिन की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, ग्लाइकोजिन की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है कि स्टोर करने की मात्रा जो है इसमें बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, अभ्यास में मांसपेशियों में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो दोस्तों, इसमें मांसपेशियों में सीपी, एटीपी, हीमोग्लोबिन, O2 एंड ग्लाइकोजन, इन सब की मात्रा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये था मांसपेशी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में 100% पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को 2 से 4 बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा। एंड दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और जो भी डाउट होंगे उसे भी कमेंट में बताइए, मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।